हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से 38,926 वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, स्टेट वाइज वैकेंसी आप देखेंगे तो यहां पे स्टेट वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्टेट वाइज वैकेंसी का। इसका ऑनलाइन जो स्टार्ट हो गया है 2/5 से, ठीक है, और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का है ये 5/6/2022 तक है लास्ट फॉर्म भरने का डेट। इसमें जो है एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो 10th पास ही मांगा गया है, बस 10th पास आप होना है। और ये जो है मार्क बेसिस पे जो है ना सिलेक्शन है, जिसका ज़्यादा मार्क है 10th में उसके हिसाब से सिलेक्शन है। इसमें किस पोस्ट के लिए कितना पेमेंट किया जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं। BPM के लिए है 12,000 और ABPM डाक सेवक के लिए 10,000 यहाँ पे सैलरी रखा गया है। एज का बात किया जाए तो मिनिमम 18 साल के जो हैं वो भर सकते हैं और मैक्सिमम 40 इयर्स तक के भर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का आप बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SC ST के लिए 5 साल छूट दिया गया है, OBC के लिए 3 साल, EWS के लिए कुछ नहीं है, और PWD के लिए 10 साल है, और PWD प्लस OBC है तो 13 साल है, PWD प्लस SC ST है तो 15 साल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी जो है यहाँ पे रखा गया है कि आप जिस स्टेट से भर रहे हैं और वहाँ का आपका लोकल लैंग्वेज जो है वो आना चाहिए, ठीक है। लोकल लैंग्वेज जो है आपको वहाँ का आना चाहिए। फिर आपको साइकिलिंग आना चाहिए, बाइक स्कूटर आप चलाना जानते हैं तो प्रीफर किया जाएगा। दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है तो इस साइट पर जाना है और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल के वैलिडेट करना है, उसके बाद ईमेल ID डाल के वैलिडेट करना है। आपका 10th सर्टिफिकेट पे जो नाम है उसी तरह से यहाँ पे नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ फादर्स नेम मदर्स नेम दोनों लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, जेंडर कौन से है वो डालना है, कम्युनिटी है SC ST OBC जो भी है यहाँ पे आपको डालना है, 10th कहाँ से पास किए थे, किस स्टेट से पास किए थे वो डालना है, उसके बाद किस ईयर में पास किए थे वो डालना है, और यहाँ पे जो है टेक्स्ट शोन इन ये आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। रजिस्टर्ड होने के बाद जो है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है, जो फॉर्म में बताया था वहां रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद जो है आप 72 घंटे वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो है आप उसके बाद जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई का लिंक उसी के आगे आपको मिल जाएगा। अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद फॉर्म फिल करेंगे, उसमें डिटेल आपसे पूछाएगा, सारा डिटेल आपको भरना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, उसके बाद अपना पोस्ट का प्रिफ्रेंस आपको देना पड़ेगा, उसके बाद प्रीव्यू लेके आपको प्रिंट आउट ले लेना है और ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो ये प्रोसेस है पूरा अप्लीकेशन आपको अप्लाई करने का, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।